फिल्म इंडस्ट्री से इस वक्त दिल तोड़ देने वाली खबर आ रही है। देश के सबसे बड़े शो सीआईडी में इंस्पेक्टर फेड्रिक्स की भूमिका निभाने वाले एक्टर दिनेश फडणवीस का निधन हो गया है। अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ते हुए आखिरकार वो हार गए। वो सिर्फ 57 साल के थे। दिनेश मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती थे। वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। सीआईडी के दूसरे एक्टर नरेंद्र गुप्ता ने दिनेश के निधन की जानकारी दी है। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा है, चरणों में स्थान दे, ओम शांति, रेस्ट इन पीस माय डियर फ्रेंड दिनेश, मे योर सोल रेस्ट इन पीस, हम तुम्हारी यादों के साथ रहेंगे। पहले खबर थी कि दिनेश को हार्ट अटैक आया है, लेकिन बाद में सीआईडी के एक्टर दयानंद शेट्टी ने बताया कि दिनेश का लीवर डैमेज हुआ है। उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी, उनमें किसी तरह का कोई सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टर तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें बचा नहीं सके। अस्पताल में दिनेश के साथ लगातार सीआईडी के एक्टर्स की टीम बनी हुई थी। दिनेश असल जिंदगी में बहुत खुश मिजाज इंसान थे। दिनेश ने 20 सालों तक सीआईडी में फेड्रिक्स का किरदार निभाया था। उनके किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया। उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी एक छोटा सा रोल किया था। इसके अलावा उन्होंने कुछ फिल्मों में भी कैमियो किया। सीआईडी के अलावा दिनेश आमिर खान के साथ सरफरोश और ऋतिक रोशन के साथ सुपर 30 का भी हिस्सा रहे। दिनेश ने अपने किरदार से लोगों का जितना मनोरंजन किया, शायद लोग उसे कभी भूल नहीं पाएंगे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।